नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का स्ट्रेट जीरो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक ऑसम लेक्चर हमारे मध्य प्रदेश करंट अफेयर सीरीज में। दोस्तों इस सीरीज में या इस लेक्चर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में, जो मध्य प्रदेश स्पेसिफिक है और जो MPPSC के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बात करेंगे मार्च महीने के करंट अफेयर्स के बारे में। लेक्चर शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ ये लेक्चर जो है बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली बनाया गया है, तो आपको कहीं से और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है। पूरा फोकस फैक्ट याद करने पे लगाना और सेम वीडियो एटलीस्ट 2 से 3 बार देख लेना। इसकी जो PDF रहेगी वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी, तो इसलिए नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये PDF आप स्ट्रेट जीरो की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे ओपन करके पढ़ सकते हैं, या फिर आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं तो आपको ये इंस्टा मोजो पे जाइए, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? जस्ट वॉट यू नीड टू डू रिविजन। तो आगे चलते हैं। आपको एक और बात बताना चाहता हूँ लेक्चर शुरू करने से पहले कि देखिए ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ना ज़रूरी नहीं है। क्या ज़रूरी है कि आप मल्टीपल रिवीजन करें। जितना अभी तक आप पढ़ चुके हैं और जो 12 जनवरी का पेपर देने वाले हैं, तो बस आपको क्या करना है, जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करिए ज़्यादा से ज़्यादा। टेस्ट सीरीज़ लगाइए, टेस्ट सीरीज स्ट्रेट जीरो भी प्रोवाइड कर रही है, तो जिसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं 50, और क्या कहते हैं सेक्शनल टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इन टेस्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करिए अच्छे से, ठीक है? तो ये मेरी तरफ से आपको कुछ बात बतानी थी। नाउ हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपको इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मार्च 2019 के करंट अफेयर्स, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट से रिलेटेड है या मध्य प्रदेश स्पेसिफिक है, MPPSC के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्द से मतलब कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा यानी सारे करंट अफेयर कवर करने की कोशिश करेंगे, और फैक्चुअली जो आपके एग्जाम से के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और एक और बात बताना चाहता हूँ, आप में से काफ़ी लोगों ने मुझसे ये शिकायत की है कि सर आपने हर एक महीने के करंट अफेयर में इतने ज़्यादा पेजेस बना दिए हैं, कम से कम 150 पेजेस हैं, कहीं पे 80 पेजेस हैं, 100 पेजेस हैं। तो देखिए, इन पेजेस को देख के मत घबराइए। एक तो मैंने फॉन्ट साइज़ बहुत बड़ा रखा है, दूसरा इन PDF में मैंने फ़ोटोज़ का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है ऐसा लगे कि ये फाइल्स बहुत बड़ी हैं, पर जब आप इनको रिवाइज़ करते हैं तो सिर्फ आपके 30 मिनट्स लगेंगे, ठीक है? तो प्लीज़ देख के परेशान ना हो। और कम से कम आखिरी के पेजेस में तो क्विजेस हैं, तो क्विज बस आपको एक बार लगानी है जस्ट फॉर रिवीजन। अदरवाइज करंट अफेयर 40-50 पेज में हैं, और वो भी बहुत कम हैं, या तो वहाँ पे रिपीटेशन है या फोटोज़ हैं या फॉन्ट साइज़ बड़ा है, इसलिए तो प्लीज़ घबराए ना और रिवाइज करें, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इवेंट था, ये एक कॉन्टेक्स्ट है कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने भोपाल एयरपोर्ट के पास कुछ ज़मीन थी, उनके पास एक्सेस ज़मीन, वो अब MP गवर्नमेंट को वो वापस कर देंगे। तो कैबिनेट जो यूनियन कैबिनेट है, उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि जो AAI के पास एक्सेसिव लैंड है भोपाल एयरपोर्ट के पास, वो MP गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बट इस न्यूज़ का मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है सो दैट आपको ये बता सकूं MP में कितने एयरपोर्ट्स हैं, मेजर एयरपोर्ट्स। तो टोटल 5 एयरपोर्ट हैं, और उनके नाम के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट MP में कहाँ पे है। तो ये जो भोपाल का एयरपोर्ट है उसी का नाम है राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा ग्वालियर एयरपोर्ट, तीसरा देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, ये इंदौर में है, इंदौर वाले एयरपोर्ट का नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चौथा सिविल एयरपोर्ट है जो कि खजुराहो में है, और फिर है दुमना एयरपोर्ट जो कि जबलपुर में है, जबलपुर वाले एयरपोर्ट का नाम है दुमना एयरपोर्ट। तो ये मैं आपको इस कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से बताना चाहता था। टोटल 5 मेजर एयरपोर्ट है, और इनमें से राजा भोज वाला कौन सा है, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट कौन सा है, और दुमना एयरपोर्ट कौन सा है। क्लियर हो गया? चलिए दूसरे करंट अफेयर पे चलते हैं। वो है आपका शकुंतला डी गमलिन ने फाउंडेशन स्टोन रखा है, किसका, NIMHR इन सीहोर MP। अब ये सबसे पहले ये बताता हूँ NIMHR चीज है क्या। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NIMHR। तो ये इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है इंडिया में, ये पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंस्टीट्यूट है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी के
जो सेक्रेटरी हैं शकुंतला डी गमलिन, उन्होंने इसकी नींव रखी है, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। और ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? सीहोर डिस्ट्रिक्ट में, एमपी के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अब जैसा क्वेश्चन इन चीज़ों पे कैसे आते हैं, जैसे मैंने जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था उसके बेसिस पे आपसे पूछता हूँ। एमपी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन बनाया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन इस्टेब्लिश किया गया है, तो आपको ये बताना है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है एमपी के, जहाँ पर ये बनाया गया है। समझ में आ रही है? सिमिलरली जैसे ये डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, तो ऐसे ही एक अकेडमी डिसेबिलिटी के लिए अकेडमी बनाई गई थी एमपी में, ये बताइए अकेडमी कहाँ पे है। समझ रहे हो आपको कैसे क्वेश्चंस आते हैं? अगर आप लोग मेरे करंट अफेयर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन का इंस्टीट्यूट एमपी में कहाँ पे बनना है? सीहोर डिस्ट्रिक्ट में बनना है। इससे रिलेटेड कुछ और बातों के बारे में जान लेते हैं। ये इंस्टीट्यूट जो है वो आपका आएगा मिनिस्ट्री ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के अंतर्गत। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 180 करोड़ 3 साल के पीरियड के लिए अप्रूव किए हैं, और 25 एकड़ जो लैंड है वो एमपी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है इस इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए अक्टूबर 2018 में। इसके अलावा इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम होगा वो CPWD भोपाल करेगी, और इसको 2 साल में कंप्लीट किया जाना है। गॉट इट? जिसकी अभी फाउंडेशन स्टोन रखी गई है, अब हो जाएगा 1 साल में कंप्लीट। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो इवेंट है दैट इज रिलेटेड टू न्यू NCLT। NCLT क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। आपको पता होगा कंपनी एक्ट 2013 के तहत ये जो बॉडी है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है दो जगह, इसकी मतलब NCLT की बेंचेस 2 जगह बनाई जा रही हैं, एक आंध्र प्रदेश में और एक मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में बनना है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये दो नई बेंचेस हैं। आंध्र प्रदेश में ये बनना है अमरावती में, और इंदौर में बनना है एमपी के, ठीक है। तो अब पेपर में डायरेक्टली आ जाएगा कि एनसीएलटी ने अपनी बेंच को एस्टेब्लिश करने का डिसीजन लिया है, तो ये बेंच एमपी में कहाँ पे बनाई जा रही है? तो याद रखना इंदौर में। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये बेंच क्यों बनाई जा रही है? आपको पता होगा 2016 में क्या आया था, IBC आया था। IBC क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। उसके तहत जो कंपनियां एग्जिट करना चाहती हैं, जो किसी परेशानियों में हैं, वो आसानी से एग्जिट कर सके, उनका समाधान हो सके, उसके लिए बॉडी बनाई गई थी। तो अब उसके वर्कलोड, उसकी वजह से क्या हुआ, ये IBC आने के बाद बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ गया है, बर्डन हो गए हैं, बहुत ज्यादा केसेस हो गए हैं, तो इसके लिए ये एक्स्ट्रा बेंचेस बनाई जा रही हैं। कहां पे बनाई जा रही है? आंध्र प्रदेश और एमपी। एमपी में कहां पे? इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम बात करें इसके रिलेशन में कुछ और, तो क्या ये बोला जा रहा है कि जो बेंच होगी अमरावती में वो आंध्र प्रदेश में है, और बाकी मध्य प्रदेश के इंदौर में इस्टेब्लिश हो रहा है। करेंटली आंध्र प्रदेश जो है वो हैदराबाद में जो NCLT की बेंच है उसके अंतर्गत आता है, और मध्य प्रदेश जो है वो आता है अहमदाबाद में जो बेंच है NCLT की उसके अंतर्गत। मतलब अगर मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसी कंपनी है जो IBC से रिलेटेड कोई उसका केस चल रहा है, तो वो रिजॉल्व करवाने के लिए उसको कहाँ जाना पड़ता है? अहमदाबाद के NCLT बेंच के पास, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब काम करना और ज़्यादा आसान हो गया एमपी में, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। तो अब NCLT की बेंच इंदौर में ही है, फास्टर रेजोल्यूशन हो सकता है। NCLT इस्टेब्लिश किए जाते हैं कंपनी एक्ट 2013 के माध्यम से, सो दैट इफेक्टिव और टाइम बाउंड एडजुडिकेशन किया जा सके। एक तो कंपनी एक्ट का से रिलेटेड कोई केस हो, या फिर IBC 2016, या फिर LLP क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। क्लियर हो गया। एक और फैक्ट ये भी पूछा जा सकता है, NCLT बेंच किस एक्ट के अंतर्गत बनाई जाती हैं, एस्टेब्लिश की जाती हैं? अगर NCLT की बेंच की बात की जाए तो प्रेजेंटली अभी टोटल 14 बेंचेस हैं इसकी, और 2 और बन जाएंगी। अगर हम बात करें इसकी जो प्रिंसिपल बेंच है, जो मुख्य बेंच, मुख्य इसकी जो ब्रांच है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है मेन प्रिंसिपल बेंच, और 3 रिसेंटली सेटअप बेंचेस एट जयपुर, कोची और कटक में 3 चालू हो चुकी हैं, तो टोटल 14, अब लेकिन 2 और बन जाएंगी तो 16 हो जाएंगी। गॉट इट? इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अगला जो इवेंट है या अफेयर, करंट अफेयर है, वो ये है, गोंडी लैंग्वेज, गोंडी बोली है, लैंग्वेज है, ऐसा बोला है एमपी की गवर्नमेंट ने कि इसको प्राइमरी एजुकेशन में इंक्लूड किया जाएगा एमपी के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में। आपको पता होगा एमपी में ST की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बना लेते हैं, चलिए आप ये बताइए ST की जो पॉपुलेशन है एब्सोल्यूट नंबर में कितनी है एमपी में, और दूसरी चीज़ ये जो पॉपुलेशन है वो एमपी स्टेट की टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है। तो आप एक परसेंटेज बताना मुझे और ST की पॉपुलेशन बताना। बहुत ही ज़्यादा ST के ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 1-2 क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया? तो एमपी में जितनी भी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे गोंडी लैंग्वेज को अब इंक्लूड किया जाएगा प्राइमरी एजुकेशन के क्यूरिकुलम में।
एक और जो बात आपको याद रखनी है, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन, वो बनाया जाता है 9 अगस्त को, 9 अगस्त को, सो दैट जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस या रीड्रेस किया जा सके। इस दिन स्टेट गवर्नमेंट ने हॉलीडे भी डिक्लेयर किया हुआ था। तो चलो याद कर लेते हैं 9 अगस्त क्या है। 9 अगस्त ट्राइबल पीपल जो होते हैं, इंडिजिनस का मतलब क्या होता है, जो वहाँ के लोकल पीपल हैं, ओरिजिनल पीपल हैं, ठीक है, तो उनकी अवेयरनेस के लिए, उनकी प्रॉब्लमों का निदान करने के लिए ये दिन को रिकॉग्नाइज किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल। 9 अगस्त क्या है तारीख, 9 अगस्त, प्लीज याद रखना। अगर हम बात करें गोंड ट्राइबल कम्युनिटी की, तो गोंड जो पीपल होते हैं वो आदिवासी होते हैं और इनको शेड्यूल ट्राइब के तौर पे लिस्ट किया गया है इंडिया में। अगर हम बात करें ये जो गोंड पीपल होते हैं वो किन किन स्टेट्स में फैले हुए हैं, तो मध्य प्रदेश में है, ईस्टर्न महाराष्ट्र में है जो विदर्भा वाला रीजन है, छत्तीसगढ़ में है, यूपी में है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। तो पेपर में ये भी आ सकता है कि जो गोंड की पॉपुलेशन है दैट इज ओनली प्रेजेंट इन एमपी एंड छत्तीसगढ़, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना आप जो गोंड की पॉपुलेशन है बहुत सारे स्टेट्स में है, यूपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बताइए कौन सी एसटी, कौन सी शेड्यूल ट्राइब है जो एमपी में जिसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन है। जैसे आपको पता है एमपी में भील ट्राइब है, गोंड ट्राइब है, कोरकू ट्राइब है, तो इनमें से ये बताइए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कौन सी ट्राइब है एमपी में। इन क्वेश्चंस के जवाब वीडियो देखते वक्त पॉज करते जाओ और आप इनके आंसर्स लिखते जाओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है, एक साथ सारे आंसर लिख देना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एमपी के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, उन्होंने अभी ऑर्डिनेंस को अप्रूव किया था मार्च के महीने में, ओबीसी कोटा को हाइक। आपको अगर आपने पिछले करंट अफेयर देखे होंगे तो मैंने बताया था कि एमपी की गवर्नमेंट ने 14% अभी तक एमपी में सिर्फ ओबीसी के लिए 14% रिजर्वेशन था, उसको बढ़ा के 27% कर दिया था। तो बढ़ाया था, ये पहले कैबिनेट का डिसीजन आया था, फिर उसके बाद उन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला और इस ऑर्डिनेंस को अप्रूव कर दिया है। वहाँ की जो गवर्नर थी उस टाइम पे आनंदीबेन पटेल, उन्होंने अप्रूव कर दिया था, ठीक है। लेकिन भाई अब कुछ बात समझ लेते हैं, देखिए की पॉइंट्स क्या हैं। ओबीसी के लिए जो कोटा था पहले 14% था, अब 27% हो गया। एमपी सिर्फ इकलौता स्टेट है इंडिया का जिसमें, जहां पे ओबीसी के लिए 27% कोटा है। आपको पता होगा कि वैसे तो 27% स्टेचुटरी है कि इतना आप कर सकते हो एट मैक्स, लेकिन अभी तक किसी भी स्टेट ने नहीं किया। एमपी ऐसा पहला राज्य है जहां पे ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन हो जाएगा। उसके अलावा आपको पता होगा 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आई थी, कौन लेके आया था इस अमेंडमेंट एक्ट को, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उन्होंने ये बोला था 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली यानी जो फाइनेंशियली वीकर कैटेगरी के लोग होते हैं उनको 10% रिजर्वेशन। तो एमपी की गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि जो 10% रिजर्वेशन है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन दी जनरल कैटेगरी, वो भी जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाएगा। दोनों बातें समझ में आ गई, तो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस चीज से रिलेटेड है ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। अगला जो चीज आपको याद रखना है वो ये है कि एमपी में लॉ एंड लीगल अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है, तो उनका नाम है पीसी शर्मा। क्लियर हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में बात करते हैं। नामदेव त्यागी जो हैं उनको चेयरमैन बनाया गया रिवर ट्रस्ट का बाय दी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा चेयरमैन ऑफ रिवर ट्रस्ट नामदेव त्यागी, चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। पहले तो ये देख लो इनका फोटो, नामदेव त्यागी रिवर ट्रस्ट, रिवर पे हम पूजा करने जाते हैं तो कोई पूजा जैसा इंसान है नामदेव, नामदेव भगवान का नाम होता है, बहुत बड़े बड़े पोएट्स और इन सब के भी नाम रहा है। तो नामदेव त्यागी को रिवर ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया है। नामदेव त्यागी का एक और नाम है कंप्यूटर बाबा, कंप्यूटर बाबा के नाम से ये बड़े फेमस हैं, और इनको चेयरमैन बनाया गया है माँ नर्मदा, माँ शिप्रा, माँ मंदाकिनी रिवर ट्रस्ट का। इनको अपॉइंट किया गया है स्टेट स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट के द्वारा। जब मैंने आपको जनवरी का करंट अफेयर बताया था तो आपको बताया था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने नया डिपार्टमेंट बनाने की किया है, कदम उठाया है और स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट बनाया। ये स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट एक जो वहाँ पे रिलीजियस एंड एंडोमेंट ट्रस्ट था और हैप्पीनेस डिपार्टमेंट है, उसको मर्ज करके स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट बनाया है, और उसी डिपार्टमेंट के द्वारा इनको नामदेव त्यागी को अपॉइंट किया गया है माँ मंदाकिनी, माँ शिप्रा, माँ नर्मदा रिवर ट्रस्ट का चेयरमैन। इससे अब क्या होगा, ये जो ट्रस्ट है और ये अभी ये किसके लिए काम करेंगे, सो दैट जो नदियों के पास सैंड माइनिंग होती है, लीगल सैंड माइनिंग या रिवर्स का रिजुविनेशन होता है, उसके काम को ये इंश्योर करेंगे। क्लियर हो गया, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट की। ये मैंने फरवरी वाले करंट अफेयर में भी बताया था कि एमपी में 79th इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस
हेल्ड की गई थी, 79th इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, ये भोपाल में ऑर्गेनाइज हुई है 2019 में। तो पेपर में पहला क्वेश्चन आएगा 2019 में जो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का सेशन हुआ वो कौन सा वाला था, 77, 78, 79 या 80। तो आंसर है 79th। कहाँ पे हुई है, भोपाल में हुई है। क्या ये भोपाल में पहली बार हुई है, नहीं, सेकंड टाइम हुई है। इससे पहले भी 2011 में ये हो चुकी है, अब 2019 में हुआ है। इस थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं, 2019 में ये जो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की मीटिंग थी वो पुणे में होने वाली थी, लेकिन पुणे के ने कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थे, इसके बाद उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया था। तो फिर ये कहाँ पे हुई है, एमपी में, 26 से 28 फरवरी को, और यहाँ पे 1000 से ज़्यादा डेलीगेट थे, और ये सेकेंड टाइम हुआ है। आईएससी की अगर हम बात करें तो वॉज इनिशियली सेट टू बी हेल्ड एट सावित्री फुले पुणे यूनिवर्सिटी, पुणे महाराष्ट्र में होने वाली थी, लेकिन कैंसिल कर दी गई है बाद में ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन। उसके अलावा एक और बात याद रखना, ये एमपी में ये इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, बरकातुल्ला यूनिवर्सिटी। आपको पता होगा बरकातुल्ला यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, भोपाल में है। क्लियर हो गया, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देखते हैं। आईएचसी के बारे में थोड़ा सा जान लो, हुआ था तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकता है। आईएचसी यानी इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस 1935 में इस्टेब्लिश की गई थी। इसकी सबसे पहली मीटिंग 1935 में हुई थी और वो पुणे में ही हुई थी। ये एक लार्जेस्ट प्रोफेशनल और अकेडमिक बॉडी है जो कि इंडियन हिस्टोरियंस की बॉडी है पूरी, जिसमें 10,000 से ज़्यादा मेम्बर्स हैं। ये क्या काम करते हैं, इंडियन हिस्ट्री के ऊपर मतलब बात वगैरह करते हैं और रिसर्च करते हैं, ये सारे काम करते हैं इनका। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में, दैट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2018 के बारे में। आपको पता होगा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, पहला जो क्वेश्चन बनता है यहां से कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किस बॉडी के द्वारा मतलब यानी किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो ये याद रखो, ये किया जाता है, दो बॉडी हैं, दोनों मिलके करती हैं, एक है यूएनडीपी और दूसरी है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ये दोनों मिलके इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन थी इंडिया को लेके और जिसमें एमपी के बारे में भी कुछ बोला गया था, इसीलिए इसको यहाँ पे हमें पढ़ना जरूरी है। पर उससे पहले एक क्वेश्चन बनाते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की रैंक क्या है, 2018 में क्या रैंक थी, 2019 में क्या रैंक थी, ये इस सवाल का जवाब देना। बाकी बस ये याद रखना, इसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है, यूएनडीपी प्लस ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। क्लियर हो गया, क्या है 2018 की रिपोर्ट में। चलो सबसे पहली और अच्छी बात, इंडिया में जो पॉवर्टी रेट है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई है पिछले 10 सालों में। पहले 55% थी 10 साल पहले यानी 2005-06 में, 2015-16 में ये 28% रह गई है, और 271 मिलियन यानी 27 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से निकाल लिया गया है। 2015-16 का अगर हम फिगर देखें तो अभी भी 36 करोड़ यानी 364 मिलियन लोग अभी भी गरीबी में हैं। पॉवर्टी रिडक्शन जो बच्चों में और पुअरेस्ट स्टेट्स के बीच में, शेड्यूल ट्राइब्स के बीच में और मुस्लिम्स के बीच में सबसे ज़्यादा देखा गया, मतलब जो गरीबी रेखा में जो बच्चे आते थे वो उनमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है, पुअरेस्ट स्टेट्स में हुआ है, शेड्यूल ट्राइब्स में हुआ है, मुस्लिम्स में हुआ है, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ और फैक्ट दिए हुए हैं तो वो आप प्लीज़ इसको पढ़ लेना, क्योंकि इतने फैक्टों के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, पर जो मेन मुद्दे की बात है वो यहाँ पे ये है, इस रिपोर्ट के हिसाब से 4 पुअरेस्ट स्टेट इंडिया के अभी भी कौन है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो देख रहे हो मध्य प्रदेश का नाम यहाँ पे आ रहा है। इन चार स्टेटों को मिला दें तो इंडिया के 196 मिलियन मल्टी डायमेंशनल पुअर इन चार स्टेटों में रहते हैं, जो कि हाफ हैं लगभग जितने टोटल लोग हैं इंडिया में गरीब, एमपीआई पुअर यानी मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग, वो उनमें से चार मतलब आधे लोग तो इन चार स्टेट्स में हैं। झारखंड ने सबसे अच्छा काम किया है इस रिपोर्ट के हिसाब से, और केरला में सबसे कम पुअर लोग रहते हैं। अब अगर हम ग्लोबल फाइंडिंग की बात करें इस रिपोर्ट के हिसाब से, तो मल्टी डायमेंशनल पुअर जो हैं 3 बिलियन यानी मतलब 300 करोड़, अभी भी 300 करोड़ 105 डेवलपिंग कंट्री में इतने लोग मल्टी डायमेंशनल पुअर हैं, जो कि 23% है इन कंट्रीज़ का टोटल पॉपुलेशन के। अगर आपको एक और बात याद रखना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है उसमें 3 इंडिकेटर्स हैं, वो 3 इंडिकेटर कौन कौन से हैं, एक है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन और तीसरा है लिविंग स्टैंडर्ड। इन 3 इंडिकेटर्स में, हेल्थ में जैसे 2 हैं, एजुकेशन के अंतर्गत 2 आते हैं और लिविंग इंडेक्स में, लिविंग स्टैंडर्ड में 6 आते हैं, तो टोटल ये हो गए 10
इसके जो क्राइटेरियाज हैं वो हैं, 10 कॉम्पोनेंट्स हैं। तो इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में क्या क्या चीज़ों को काउंट करते हैं, तो ये जो 10 चीज़ें हैं इनका आप नाम मुझे बताना, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं किया डेलिबरेटली, सो दैट आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकूँ। बाकी आप इस डिटेल को पढ़ लेना, प्रीलिम्स में इसके ऊपर और कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। एमपीआई के बारे में याद रखना, ये 2010 से पब्लिश हो रहा है, 2010 से ओपीएचआई और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इसमें तीन इंडिकेटर होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन तीन के और अगर सब डिवीजन देखो तो 10 हो जाते हैं, 2 हेल्थ के हैं, 2 एजुकेशन के और 6 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में। ललित कला अकेडमी जो है उसने 60th नेशनल अकेडमी अवार्ड्स विनर्स का नाम डिक्लेयर किया था। ललित कला अकेडमी ने 15 विनर्स को अनाउंस किया है, 15 विनर्स के नाम दिए हैं। ये जो विनर्स हैं वो 2 लेवल पे ज्यूरी थी, उन्होंने उनको सिलेक्ट किया है। ये जो अवार्डीज हैं इनको एक प्लेग मिलेगा, सॉल मिलेगा और 1,00,000 रुपये मिलेंगे। कौन कौन रहे विनर, तो इसमें कुछ मध्य प्रदेश के भी थे तो उनका नाम जानना जरूरी है। बाकी तो 15 लोग हैं तो वो नाम याद नहीं रख पाओगे। एक है हेमंत राव, ये देख रहे हो हेमंत राव, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस हेमंत राव, अब लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन बनाते, चाहता तो मैं हेमंत राव के ऊपर लिख देता। ये बताओ हेमंत राव किस फील्ड से एसोसिएटेड है, किस फील्ड से एसोसिएटेड है और इन्हें इनके किस वर्क के लिए ये ललित कला अकेडमी का अवार्ड मिला है। क्लियर है, ललित कला अकेडमी के बारे में बात करें तो ये 1954 में एस्टेब्लिश की गई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आती है। 1954 में एस्टेब्लिश की गई थी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आती है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका मेन काम क्या होता है, इंडियन आर्ट को प्रमोट और प्रपोगेट करना हमारे देश में और देश से बाहर, ठीक है। जो और जो मॉडर्न आर्टिस्ट हैं उनके जो काम हैं उसको प्रिजर्व करके रखना, चाहे पेंटिंग का हो, स्कल्पचर का हो या ग्राफिक का हो। याद हो गया, तो यहाँ पे जो याद करने वाली चीज़ है, एक तो ललित कला अकेडमी के बारे में जान के रखना और दूसरा हेमंत राव, हेमंत राव को ललित कला अकेडमी का अवार्ड मिला है जो कि एमपी से बिलोंग करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो इवेंट है हसमुख अधिया के बारे में है। हसमुख अधिया को चांसलर बनाया गया है गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। हसमुख अधिया को क्या बनाया गया है, गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चांसलर। रामनाथ कोविंद जी ने इनका अपॉइंटमेंट क्लियर किया है और ये पहले, इससे पहले, इस नियुक्ति से पहले वो फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। उसके अलावा इन्होंने नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उस दौरान में भी इन्होंने उनके साथ भी काम किया है। ये जो हैं ये इस पोस्ट पे 5 साल तक रहेंगे, चांसलर की पोस्ट पे गुजरात की यूनिवर्सिटी के, और ये IAS ऑफिसर रहे हैं पहले। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसा कि मैंने बताया, ये गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर बनाए गए हैं, तो ये न्यूज़ क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो इंडिया में इस्टेब्लिश की जाती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के अंतर्गत। ये एक्ट में ऐसा बोला गया है कि एक न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी बिहार में, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान एंड तमिलनाडु। उसके अलावा एक्ट ये भी बोलता है जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में और हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है सागर में, उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अब और क्या याद रखना है कि हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी या हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहाँ पर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है आपके सागर में, इसको मैंने जो MP की आपको GK पढ़ाई है वहाँ पे भी मैंने पढ़ाया है, ये भी बताया है ये कब इस्टेब्लिश हुई थी और ये सारी चीज़ें, जब मैं आपको डिस्ट्रिक्ट एंड डिवीजन पढ़ा रहा था वहाँ पे पढ़ाया था, तो आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो हैं वो HRD मिनिस्ट्री के द्वारा इस्टेब्लिश की जाती हैं, सो दैट जो रीजनल इम्बेलेंस है हायर एजुकेशन में उसको एड्रेस किया जा सके। अभी तक 16 स्टेट्स वर आइडेंटिफाइड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अभी तक 16, और उसमें हमारा MP है और MP का कौन सा, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को आइडेंटिफाई किया गया है। थ्रू दी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2014 एनदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड एट बिहार और एक बनाई गई है आंध्र प्रदेश में 2018 में। अब बात करते हैं, मध्य प्रदेश ने OBC कोटा को इंक्रीज कर दिया है एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करेंगे। ये खबर रिपीट हो गई है, ऑलरेडी बता चुका हूँ लेकिन एक चीज़ नहीं बताई थी। देखिए अब जो MP का, जब ये MP ने 14 से इसको 37% कर दिया है, तो 27% कर दिया, तो देखिए अभी MP में ऑलरेडी 36% रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए,
36, अब लेकिन ये 27% हो जाएगा और 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हो जाएगा, तो टोटल एमपी में रिजर्वेशन कितना हो जाएगा 73%। अगर यानी गवर्नमेंट 100 वैकेंसी निकालेगी तो 73% तो रिजर्व, मतलब 73 सीट तो रिजर्व रहेंगी, जो कि अपने आप में बड़ी दिक्कत वाली बात है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। तो इसीलिए अब आपको पता होगा एक केस हुआ था जो आप याद रखेंगे, इंदिरा सोहाने केस। पूछो क्यों, क्योंकि अब एमपी की वजह से एमपी न्यूज़ में आ गया है। और वैसे तो ये इंदिरा सोहाने केस आपको ऑलरेडी पता होगा इंडियन पॉलिटी में, ये आपके कोटा यानी रिजर्वेशन के ही ऊपर था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था कि कोई भी सरकार हो, चाहे स्टेट हो या सेंट्रल हो, वो रिजर्वेशन को 50% से ज़्यादा नहीं कर सकती है। लेकिन अब जब जैसा मैंने बताया कि इतने इंक्रीज़ करने के बाद और नया रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करने के बाद एमपी में टोटल रिजर्वेशन हो जाएगा 73%, तो ये 50% की लिमिट को ब्रीच हो रहा है। तो इसीलिए इंदिरा सोहाने केस जो है वो इम्पॉर्टेंट है एमपीपीएससी के लिए। तो अब ये केस तो जो है सो चलेगा। मुद्दे की बात ये है कि क्या अभी तक इंडिया में और कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिसमें 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन हो? हैं भाई, कौन कौन से, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन है। लेकिन फिर दूसरी तरफ एक और बात बताऊँ, अभी रिसेंटली राजस्थान, महाराष्ट्र ने मराठियों के लिए रिजर्वेशन किया था, राजस्थान ने गुज्जरों के लिए रिजर्वेशन किया था, तो इनके यहाँ पे भी रिजर्वेशन 50% से इंक्रीज हो गया था, जिसको वो लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पाए थे। कोर्ट ने उसको क्या कर दिया था, इनवैलिड यानी वॉइड, नल एंड वॉइड कर दिया था। तो ये बस याद रखना। आगे एक और इंपॉर्टेंट बात, प्रयागराज जो कुंभ मेला है 2019 में, वो उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। प्रयागराज यानी जो इलाहाबाद में कुंभ मेला हुआ था ना 2019 में, वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम शुमार हुआ है। पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि देखो तीन सेक्टर में, एक तो लार्जेस्ट ट्रैफिक एंड क्राउड मैनेजमेंट प्लान के लिए, दूसरा बिगेस्ट पेंटिंग एक्सरसाइज ऑफ पब्लिक साइट्स अंडर पेंट माई सिटी स्कीम, और तीसरा बिगेस्ट सैनिटेशन एंड वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म के लिए। ये तीन कामों के लिए इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है प्रयागराज कुंभ मेला। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, अब आप ये पूछेंगे सर ये तो प्रयागराज यूपी इलाहाबाद की खबर है तो आप एमपी में क्यों पढ़ा रहे हो? इसलिए क्योंकि कुंभ मेला एमपी में भी लगता है, तो कुंभ मेला के बारे में जानते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल ऐसे करते हैं। कुंभ मेला एक सेक्रेड फेस्टिवल होता है जिसमें बहुत ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग होती है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। ये हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है और ये 12 साल में 4 बार होता है, 4 लोकेशंस पे होता है, यानी हर 3 साल में एक जगह होता है। ये चार जगहों पे होता है, वहाँ पे 4 सीक्रेट नदियाँ हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक तो ये होता है हरिद्वार में, दूसरा उज्जैन, तीसरा नासिक और चौथा प्रयागराज। हरिद्वार में ये गंगा नदी के तट पे होता है उत्तराखंड में, उज्जैन जो शिप्रा नदी पे बसा हुआ है मध्य प्रदेश में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तीसरा है नासिक जो गोदावरी नदी के ये तट पे है और ये महाराष्ट्र में है, और प्रयागराज जो कि गंगा यमुना और सरस्वती मिस्टिकल नदी जो अभी नहीं दिखती है यूपी में है। तो प्लीज़ याद रखना इन चारों जगहों पे कुंभ मेला लगाया जाता है 3-3 साल के गैप में। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कुंभ मेला जो है वो इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय यूनेस्को के द्वारा सिलेक्ट किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है 2017 में। तो यहाँ से एक ये पूछ लेते हैं, चलिए हेरिटेज लिस्ट में जो टेंजिबल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में वो कितनी हैं टोटल? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे 33 हैं, 34 हैं, 35 हैं या 36 हैं, ठीक है, तो इसका आप जवाब देना। उसमें ये जो कल्चरल हेरिटेज साइट्स की लिस्ट होती है उसमें नेचुरल साइट्स होती हैं, कल्चरल साइट्स होती हैं और मिक्स्ड साइट होती है। मिक्स्ड साइट में इंडिया से एक साइट है, उसका नाम बताओ, समझ गए। आगे चलते हैं, माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बताया हुआ है कुंभ मेला का, कहानी है कि कुंभ मेला कहाँ पे, क्या कहते हैं कुंभ मेला का क्या मतलब है, मतलब कुंभ मेला को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो एक जल्दी से कहानी सुना देते हैं, आपने सुना होगा, अगर थोड़ी बहुत भी आपने क्या कहते हैं वो कहानी सुनी होगी कि समुद्र मंथन हो रहा था जिसमें एक तरफ असुर थे एक तरफ देवता थे, तो जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत निकला था, नेक्टर। अब इस नेक्टर के लिए क्या हुआ, लड़ाई हुई और ये दानवों ने ले लिया, फिर दानवों से जब वो छीना गया तो क्या हुआ था, किसने छीना था, विष्णु जी जो भगवान विष्णु हैं उन्होंने मोहिनी का रूप रख के इसको छीन लिया था दानवों से। जब उन्होंने छीना था तो इसमें से ऐसा बोला जाता है कुछ बूंद गिरे थे इस अमृत के, और ये बूंद 4 जगहों पर गिरे थे जिन 4 जगहों पर आज कुंभ मेला होता है। और ये बूंद जब गिरे थे तो ये गिर तो एक ही दिन में गए थे, लेकिन उस टाइम का ये एक दिन आज के 12 साल के बराबर है, तो इसीलिए ये हर उस लोकेशन पे 12 साल बाद सेलिब्रेट किया जाता है। गॉट इट?
अब अगला जो है सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट, जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, ये सेंटर जो है ग्वालियर में बनाया जा रहा है, सो दैट जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं, जो क्या कहते हैं दिव्यांग जन होते हैं या फिर जो स्पेशली चैलेंज्ड होते हैं, उनके लिए एक सेंटर बनाया जा रहा है, स्पोर्ट का सेंटर ग्वालियर में। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एमपीपीएससी वगैरह में। तो सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट ग्वालियर में, और कॉस्ट वगैरह दी हुई है, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना ये सेंटर आ कहाँ पे रहा है या बन कहाँ पे रहा है। सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट के बारे में जान लेते हैं, ये एक सोसाइटी के तौर पे रजिस्टर्ड होगा, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। यहाँ पे स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि जो पर्सन डिसेबल हैं उनको, सो दैट वो स्पोर्ट में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जीत के आएँ। इससे क्या होगा, जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आएगी, इंटीग्रेशन होगा, दैट्स इट। ये 2014-15 में इसको अनाउंस किया गया था और अब जाके ये फाइनली बात इंप्लीमेंट हो रही है। अगला है आसाम से रीरा। रीरा क्या है, रूरल ईस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी। रीरा एमपी में और महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया, तो एमपी का मॉडल की स्टडी करने के लिए आसाम से एक डेलीगेशन आ रहा है, बस इतनी सी बात है। तो रीरा के बारे में आपको पता होना चाहिए, रीरा के प्रेसिडेंट एमपी में कौन है, श्री एंथोनी डीसा। तो दैट इज इट, एमपी और एमपी ने इस फील्ड में बहुत अच्छा काम किया, तो आगे चलते हैं। अगला, तीन लड़के जो हैं वो नहाने गए थे चिल्लर डैम के पास, तो वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप ये सोचेंगे क्या सर ये क्वेश्चन आने वाला है पेपर में, नहीं, पेपर में क्वेश्चन ये आएगा चिल्लर डैम कहाँ पे है। तो याद रखना चिल्लर डैम कहाँ पे है, शाहजहाँपुर में है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो न्यूज़ में रहती है उसी में से नॉर्मली क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जो एमपी के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं वीएल कांता राव, उन्होंने बेतन रिले को अभी इनॉग्रेट किया था, ठीक है, किसके लिए, वोटिंग अवेयरनेस के लिए। तो वीएल कांता राव चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एमपी के, उन्होंने क्या किया, बेतन रिले किया था एज अ वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम के तौर पर, ठीक है। तो बस इतना आपको यहाँ से ये बताना चाह रहा था कि एमपी के सीईओ कौन है, बस दैट्स इट। एक एमपी में जबलपुर में नियॉन रन हुई थी, अगेन नियॉन रन भी क्या है, ये वोटर अवेयरनेस के लिए की गई थी, 5 किलोमीटर की वॉकाथन थी नाइट टाइम में, तो दैट्स इट। ये रन फॉर डेमोक्रेसी भी ऑर्गेनाइज हुआ था 20 अप्रैल में, इसी का ही नियॉन रन बोल लो या रन फॉर डेमोक्रेसी बोल लो, सो दैट लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके कि वो अपने आप को अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें इलेक्शंस में, दैट्स इट। इंदौर में एक हाई सिक्योरिटी जेल बनाया जा रहा है, तो पेपर में डायरेक्टली आ जाएगा, अभी रिसेंटली हाई सिक्योरिटी जेल को एस्टेब्लिश करने की बात की गई थी, ये एमपी के किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है, तो इंदौर में बनाया जा रहा है। देखिए ये ऐसी इसकी रिकमेंडेशन की गई थी कम से कम 45 साल पहले, ठीक है, जब एमपी में फर्स्ट एंड लास्ट जेल रिफॉर्म कमीशन बनाया गया था एमपी में, उसने रिकमेंड किया था कि एमपी में एक हाई सिक्योरिटी जेल होना चाहिए, और वो बात अब जाके फुलफिल हो रही है। उसके अलावा तो इसके प्रोविजन दिए हुए हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं होगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए स्किप करते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, जैसा कि मैंने बताया था, रिजर्वेशन इंक्रीज कर दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने उस रिजर्वेशन को बैन कर दिया है। बैन इसलिए कर दिया है क्योंकि वो ब्रीच कर रहा था 50% की लिमिट को, तो अभी इंटरिम ऑर्डर आया था तो उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया था, दैट्स इट। अब बात करते हैं भोपाल विल बी अ इको स्मार्ट रेलवे स्टेशन। जो भोपाल का रेलवे स्टेशन है उसको इको स्मार्ट के तौर पे डेवलप किया जाएगा। इको स्मार्ट रेलवे स्टेशन का मतलब होता है ग्रीन रेलवे स्टेशन, एकदम कोई वेस्ट डिस्पोजल, मतलब जो होगा उसको बहुत अच्छे से वेस्ट को डिस्पोज किया जाएगा, चारों तरफ प्लांट होंगे, एयर प्योर होगी, कोई गंदगी नहीं होगी, सो दैट इज इको स्मार्ट स्टेशन। इसके अलावा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट। बेनिफिट क्या होते हैं इको स्मार्ट स्टेशन के, तो वो सब लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं, वो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ फ्री सिंबल्स इंक्रीज टू 198। आपको पता होगा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनको सिंबल अलॉट करती है। अब ये पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज पार्टी हो सकती हैं या रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पार्टी हो सकती हैं, ठीक है। तो अब जो रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज पार्टी होती है उनको तो रिजर्व्ड सिंबल मिल जाते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पार्टी होती है उनको मिलते हैं फ्री सिंबल में से कोई सा सिंबल अलॉट होता है। तो इन फ्री सिंबल की संख्या अब बढ़ा दी गई है इसमें, तो बस इतना याद रखना है। तो कितने फ्री सिंबल हो गए हैं, 198 हो गए हैं, पहले थे 162, अब 37 नए सिंबल आए हैं और एक पुराने सिंबल को कैंसिल कर दिया गया है, तो अब टोटल हो गए हैं आपके, अब टोटल हो गए 198 सिंबल्स, दैट्स इट। ईजी वोटिंग कर सकें, जो पर्सन है डिसेबल्ड पर्सन है वो अच्छे से वोटिंग कर सकें, इसके लिए एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई थी 14 मार्च को। आपको पता है पूरा साल ये लोकसभा का
चुनाव का था, तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ थी, तो ये आया था। लेकिन जो यहाँ पे मैं बताने के लिए इस करंट अफेयर को यहाँ पे लिया है, वो इसलिए कि नरोना अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जब आपका एमपीपीएससी क्लियर हो जाएगा और आप ट्रेनिंग के लिए यहीं पे जाते हो, तो ये कहाँ पे है? ये भोपाल में आरसीबीपी नरोना अकेडमी। चलिए आप ये बताइए, जो ये नरोना जिनके नाम पे ये अकेडमी का नाम रखा गया है, ये कौन है? एमपी में इनको ये किसी एक डेजिग्नेशन पे थे, आप इनके बारे में बताइए कौन है, अगर आपको थोड़ा सा भी क्लिक करता है तो। गवर्नमेंट विल गिव इंसेंटिव अमाउंट ऑफ 5 लाख टू गोल्ड विनिंग प्लेयर्स, जस्ट अ न्यूज। मतलब एमपी ने अपनी जो नई स्पोर्ट पॉलिसी को अनाउंस करते वक्त ये बोला है कि जो स्पोर्ट टैलेंट है उसको और ज़्यादा इंकरेज करने के लिए उनको 5 लाख का इंसेंटिव दिया जाएगा जो भी गोल्ड मेडल जीत के आएगा नेशनल लेवल टूर्नामेंट में, ठीक है। और ये जो इंसेंटिव है वो सिर्फ एमपी में, या तो कोई ऐसा बंदा जो एमपी का नेटिव है या उसने एमपी की किसी स्पोर्ट अकेडमी से ट्रेनिंग ली है, सिर्फ उन्हीं को ही ये दिया जाएगा। बस इतना ही आपको इसमें जानने की ज़रूरत है। बाकी तो इसमें प्रोविजन लिखा हुआ है कि अगर कोई सिल्वर मेडल जीत के आता है तो उसको 3.20 लाख दिया जाएगा, कोई ब्रॉन्ज मेडल जीत के आएगा तो 2.40 लाख दिए जाएंगे। दैट्स इट, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो यू कैन स्किप इट वेरी यू नो। नेक्स्ट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर रिजर्वेशन और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जैसा कि मैंने बताया 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये अब बोला गया है 10% रिजर्वेशन स्टेट कर सकते हैं, तो उसी की फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एक वो क्या कहते हैं कमेटी बनाई गई थी। यहाँ से जो आपको याद करने वाली चीज़ है वो ये है कि एमपी में मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन पार्लियामेंट्री अफेयर एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के मिनिस्टर कौन है? गोविंद सिंह है, वो ही इस कमेटी के चेयरमैन रहेंगे। उसके अलावा पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन है? तुलसीराम सिलावत। फाइनेंस प्लानिंग इकोनॉमिक एंड स्टैटिक्स मिनिस्टर कौन है? तरुण भानोत। नर्मदा वैली एंड टूरिज्म मिनिस्टर कौन है? सुरेंद्र सिंह बघेल। मध्य प्रदेश इज लीडिंग इन पनिशिंग क्रिमिनल्स, ऐसा बोला होम मिनिस्टर, जो एमपी के होम मिनिस्टर हैं श्री बच्चन, उन्होंने ये बोला। तो यहाँ से दो तीन चीज़ें, एमपी के होम मिनिस्टर कौन है? श्री बच्चन, श्री बाला बच्चन, पूरा नाम बोले तो श्री बाला बच्चन। अच्छा, उसके अलावा एमपी ने जब क्रिमिनल्स को पनिश किया है तो इसके लिए एमपी को एक अवार्ड भी मिला है, यूएसए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। एमपी गॉट यूएसए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये खिताब मिला है उनको। एमपी जो है अब लीडिंग स्टेट बन गया है क्रिमिनल्स को पनिश करने के लिए। तो स्टेट हैज़ बीन अवार्डेड दी कंट्रीज फर्स्ट प्राइज बाई दी गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अमेरिका। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा एमपी ये अवार्ड जीता है। दैट्स इट, लीडिंग स्टेट बन गया है। मतलब 21 केसेस में जो है कैपिटल पनिशमेंट दिया है 2018-18 में। सिर्फ एमपी सिर्फ इकलौता पहला ऐसा स्टेट है कंट्री का जहां पे पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जो है एवेल्यूएट की जाते हैं डेली, मंथली और हर साल। तो यहां पे कुछ ऑफिसर्स के नाम लिखे हुए हैं, उन ऑफिसर्स को इस अवार्ड के दौरान उनको कुछ अवार्ड मिले थे, जैसे प्रोसिक्यूशन गौरव अवार्ड या बेस्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन डिस्ट्रिक्ट अवार्ड। ठीक है, आप लोग देख लेना, नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पॉलिसी विल बी मेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ डिसेबल्ड इन एजुकेशन एंड स्पोर्ट। ऐसी बात की जा रही है कि डिसेबल्ड जो लोग होते हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन करेगी एमपी गवर्नमेंट, तो देख लेना। लेकिन उससे ज़्यादा जो जरूरी बात वो है, मिनिस्टर हैं जो एमपी में स्पोर्ट और यूथ वेलफेयर के, उनका नाम है जीतू पटवारी। कुछ लोगों को इंस्पायर इंडिया अवार्ड दिए गए 2019 के, इंस्पायर इंडिया अवार्ड 2019। तो वो कौन कौन लोग हैं, इनके आप प्लीज़ नाम देख लेना। जैसे कि अरुणिमा सिन्हा, ये ऐसी पहली दिव्यांग यानी डिसेबल्ड वुमेन हैं, पद्मश्री भी हैं ये, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर किया था, यानी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। अरुणिमा सिन्हा, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। फिर ऐसे ही एक अर्जुन अवार्डी इंडियन पैरा ओलंपिक स्विमर हैं मिस्टर शरद गायकवाड़, इनको इंस्पायर इंडिया अवार्ड 2019 दिया गया, तो याद रखना। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मिस्टर गुलशन कुमार, नेशनल व्हीलचेयर आर्टिस्ट मिस्टर विजय कुमार, मिस्टर हरबीर एंड मिस्टर अर्जुन, और भी बहुत सारे नाम हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इन लोगों को इंस्पायर इंडिया अवार्ड दिए गए, दैट्स इट। किसान समृद्धि प्रोग्राम लॉन्च किया गया एमपी में एक दिन के लिए किया गया था। तो किसान समृद्धि, अब नाम से समझ में आ रहा होगा, किसानों के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें की गई थी, उनको बताया गया था कि कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से मार्केटिंग कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें, नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे चलते हैं। आपको मैंने बताया था एमपी में 4 नई यूनिट आ रही हैं, ठीक है, 4 नई यूनिट आ रही हैं। एक चचई में आ रही है, एक आ रही है श्रेणी में, और 2 आ रही हैं सिंगाजी पे। तो उसी के बारे में दिया हुआ है कि श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे 2 यूनिट 660 मेगावाट की इनॉग्रेट की गई थी। तो बस इसी करंट अफेयर को जो मैंने बताया उसी को रिवाइज करवाने के लिए चीज़ मैंने आपको बताई थी।
बताई है, मतलब यहाँ पे इंक्लूड किया है इसको। भारतीयम प्रोग्राम जो है वो डेडिकेट किया गया मार्टियर्स ऑफ पुलवाना डिस्ट्रिक्ट। आपको पता होगा पुलवाना में अटैक हुआ था, तो एक प्रोग्राम कंडक्ट किया गया था 3 मार्च को। इस प्रोग्राम के तहत जो भी लोगों की डेथ हुई थी उनको ट्रिब्यूट दिया गया था, ठीक है। सो दैट्स इट। तो डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा भारतीयम प्रोग्राम इज रिलेटेड टू व्हाट और इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड फॉर व्हाट, तो ट्रिब्यूट देने के लिए हुएवर डाइड और जो भी मार्टियर थे पुलवाना अटैक के। न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी विल बी मेड टू प्रोवाइड बेनिफिट टू फार्मर्स। एमपी की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि नई एग्रीकल्चर पॉलिसी लेके आए सो दैट जो फार्मर्स हैं उनको प्राइस डिस्कवरी, मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से प्राइस मिल सके उसके लिए। सो दैट इज़ नॉट अ थिंग। चलिए आगे चल लेते हैं। छिंदवाड़ा में एक मेडिकल साइंस का इंस्टीट्यूट आ रहा है, छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और ऐसा बोला जा रहा है इसको एकदम एम्स की लाइन पर डेवलप किया जाएगा। उसके अलावा पेंच माइक्रो इरीगेशन कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। ये एक छोटी छोटी सी न्यूजेस थी तो मैंने सोचा यहाँ पे कवर कर देता हूँ सो दैट आपका छूटे ना, अदरवाइज इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। एक बायोडाइवर्सिटी पार्क और एक एक्सीलेंट सेंटर बनाया जा रहा है फ्लोरिकल्चर का। अगेन कहाँ पे बनाया जा रहा है? छिंदवाड़ा में। सिमिलरली ये भी याद रखना, पेंच माइक्रो इरीगेशन कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बनाया जा रहा है? छिंदवाड़ा में। तो इसी के साथ आपको जितने भी ये करंट अफेयर थे मार्च महीने, मार्च 2019 के रिलेशन में, वो मैंने आपको बता दिए। अब आपको क्या करना है, इसी वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना है और इस पीडीएफ को 2 बार रिवाइज कर लेना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके अलावा जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उनके जवाब दे दीजिए कमेंट सेक्शन में सो दैट आपको कॉन्फिडेंस मिले। और तीसरी चीज़ जो आपको करनी है, इस लेक्चर को रिव्यू करना है। अगर आप कमेंट करके रिव्यू नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट लाइक और डिसलाइक करके बताएं कि वेदर आई शुड कंटिन्यू दिस सीरीज और नॉट, और हाउ शुड आई कैन इंक्रीज योर लर्निंग एक्सपीरियंस। अब बाद में है ये, देखिए यहाँ पे कुछ और न्यूज़ जो मैं नहीं कवर कर पाया था या जो मुझे ट्रीवियल लग रही थी, तो वो ही न्यूज़ यहाँ पे हिंदी में दी हुई हैं, मैंने जल्दी से उठा लिया था टाइम की कमी को देखते हुए। तो आप यहाँ से इनको रिवाइज कर सकते हैं, डे वाइज है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। और बाद में इस इन न्यूज़ के बाद है क्विज़, तो उस क्विज़ की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। हाँ तो दोस्तों, आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने काफ़ी करंट अफेयर्स को डिस्कस किया, उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे जो भी करंट अफेयर हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे और याद हो गए होंगे। आपको क्या करना है, अब सेम वीडियो को दो से तीन बार देखना है, रिवीजन करना है, और रिवीजन करने के लिए इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, और ये जो करंट अफेयर मैंने कवर किए हैं वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए हैं, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। कोई क्वेरी आती है तो आप इस ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं, अदरवाइज दिस इज माय नंबर ऑन विच यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप अपने सजेशन भी हम तक भेज सकते हैं, मैसेज के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, मेल के थ्रू या कमेंट के थ्रू। इस लेक्चर को रिव्यू करना ना भूलें। आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज डू टेल अस। एट लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो पेशेंटली। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, तस्विदानिया।